अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 12। देखिए क्या दिया हुआ है, हमें अति परवलय का नाभिया का निर्देशांक दिया हुआ है, ठीक है, और नाभिलंब जीवा की लंबाई दिया हुआ है 8। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम देखेंगे तो नाभि का जो मान है वो x में दिया है, वाई में 0 है, इसका मतलब दीर्घ अक्ष x में बनेगा, ठीक है, और लघु अक्ष y में, तो ये हॉरिजॉन्टल यानी कि 36 अति परवलय बनेगा। ठीक है, तो नाभिया का निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो नाभि का निर्देशांक क्या हो जाएगा, सी के दूरी पर होता है, तो प्लस माइनस सी कॉमा 0, और हमें क्या दिया है, प्लस माइनस 3√5,0। दोनों को अगर तुलना करूंगा तो सी का मान क्या हो जाएगा, 3√5। ठीक है, ये सी का मान आ गया। अब देखिए नाभि लंब जीवा दिया हुआ है, तो देखिए नाभि लंब जीवा क्या होता है, 8 हमें दिया हुआ है, और इसका सूत्र क्या होता है, 2b² / a = 8। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दो अननोन है, तो हम कैसे करेंगे, बी स्क्वायर के जगह बी स्क्वायर को कुछ a के रूप में लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए b² = 8, ये a इधर जाके इंटू हो जाएगा, तो 8a, और ये जो 2 है वो डिवाइड हो जाएगा, तो b² = 2 × 1 = 4 = 4a, तो बी स्क्वायर के जगह मैं 4a लिख सकता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास रिलेशन है ए बी और सी का, क्या होता है, c² = a² + b², ठीक है, तो देखिए c² यानी कि 3√5² = a², तो ए स्क्वायर हमें पता नहीं है a का मान, लेकिन बी स्क्वायर के जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4a, तो यहाँ पे 4a लिख देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर ये हो जाएगा 9, और 5√5² क्या होगा, 5, तो 9 × 5 = 45, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 45√a² + 4a। ठीक है, तो देखिए एक द्विघाती समीकरण बन रहे, तो देखिए इसको सबको मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, √a² + 4a − 45 = 0 कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए इसको दो भाग में डिवाइड कर दूंगा, ये जो 4a है, ठीक है, तो a² 45 का ऐसा कुछ फैक्टर निकालू कि प्लस 4 हो जाए। ठीक है, तो देखिए 9 × 5 = 45 होता है, तो 9 − 5 मैं ये कर सकता हूं, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, +9a − 5a। ठीक है, तो 9 में 5 9 का कितना बचेगा, 4, और 9 × 5 = 45 भी होता है, बराबर 0। देखिए यहां से क्या कॉमन आएगा, a कॉमन आएगा, तो a + 9 माइनस कॉमन आ जाएगा 5a, माइनस कॉमन आ गया, तो +9 = 0, तो a + 9 = 0 होगा 1, और a − 5 = 0, तो a = −9 हो जाएगा 1, और a = +5। देखिए a क्या होता है, a दूरी होता है, और दूरी कभी भी नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता। ठीक है, तो a = −9 पॉसिबल नहीं है, a = 5 पॉसिबल है। ठीक है, तो देखिए a का मान क्या हो गया, 5। अब a का मान पता है, c का मान पता है, b का मान निकाल लेते हैं। देखिए क्या है हमारे पास रिलेशन, b² = 4a, a का मान रखते हैं, तो b² = 4 × 5, 5 × 4 = 20। ठीक है, तो b² = 20, तो b = √20, ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए वर्गमूल 20 को मैं क्या लिख सकता हूं, तो 20 ये हो जाएगा 2, 10, 5, तो ये क्या हो जाएगा, 2√5 भी लिख सकता हूं। ठीक है, तो b = 2√5 ये भी लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, देखिए a b c का मान हमें मिल गया, अब हम समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो 37 के लिए क्या होता है, पहले x² / a² − y² / b² = 1, तो x² / a², तो a का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 माइनस y² / b², तो b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए वर्गमूल 20 का वर्ग क्या होगा, वर्गमूल और वर्ग कट जाएगा, तो 20 आ जाएगा, तो ये हो गया 20 = 1, तो अतः ये हो गया समीकरण, ये हो गया उत्तर। देखिए प्रश्न क्रमांक 13 भी प्रश्न क्रमांक 12 के जैसे बनेगा, ठीक है बिल्कुल, तो प्रश्न क्रमांक 13 के लिए प्रश्न क्रमांक 12 को रिफर कर सकते हैं, पूरा मेथड वही है, बस मान बस अलग दिया हुआ है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 14। देखिए हमें अति परवलय का शीर्ष का निर्देशांक दिया हुआ है, और ई यानी एसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले शीर्ष देखिए, शीर्ष किस में बनते हैं, दीर्घ अक्ष में बनते हैं, और वो एक्स में दिया हुआ है, तो दीर्घ अक्ष एक्स अक्ष में बनेगा। ठीक है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल 36 अति परवलय बनेगा। ठीक है, तो शीर्ष दिया हुआ है, तो देखिए शीर्ष का निर्देशांक क्या होता है, तो इसका शीर्ष क्या होगा, यहां पे होगा। ठीक है, इसका दूरी क्या होता है, ए होता है, तो +−a, 0 ये हमें दिया हुआ है, क्या +−7, 0, दोनों को अगर तुलना करूंगा तो a का मान क्या हो गया, 7। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या दिया हुआ है, उत्केंद्रता
एसेंट्रिसिटी क्या दी है 4/3, तो e का फॉर्मूला क्या होता है c/a इक्वल टू 4/3, a का मान है पता है 7, तो a की जगह मैं 7 रख दूंगा तो c/7 बराबर 4/3। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये c बराबर 7 × 4/3, तो 7 × 4 = 28, तो c का मान क्या हो जाएगा 28/3। अब देखिए c का मान और a का मान तो पता हो गया, अब b का मान निकाल लेते हैं। तो रिलेशन पता है हमें c² = a² + b², तो c का स्क्वायर यानी 28/3 का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर + b का स्क्वायर। हमें b का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए 28 का वर्ग कितना हो जाएगा 784/3 × 9, ये माइनस हो जाएगा इधर आके, और 7 का स्क्वायर 49 = b का स्क्वायर। देखिए इसको हल करूंगा तो क्या आएगा, लघुत्तम 9 आएगा, 784 माइनस ये क्या हो जाएगा 49 * 441, ठीक है। तो देखिए इसको घटाऊंगा तो क्या होगा, 4 × 1 = 3 और 8 × 4 = 4 और 7 × 4 = 3, तो 343/9। देखिए ये किसका मान आ गया, बी स्क्वायर का मान आ गया, देखिए ये बी स्क्वायर का मान आ गया। अब देखिए हम क्या करेंगे, समीकरण निकालते हैं। तो समीकरण देखिए ये हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज अति पर वाले है, तो पहले x² = a² + y² / b², यहाँ पे माइनस होगा = 1, ठीक है। देखिए x² / a² तो a का मान देखिए क्या है था 7, तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 माइनस y² / b² तो देखिए b का स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 343/9, तो ये क्या हो जाएगा 343/9 जो नीचे होगा वो ऊपर जाके गुना हो जाएगा वाई स्क्वायर के साथ = 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा समीकरण, ये हो गया उत्तर। अब आते हैं इस प्रश्न वाली का अंतिम प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 15। देखिए अति परवलय का नाभि का निर्देशांक दिया हुआ है और 2.3 से जाता है, ये बताया गया, ठीक है। तो देखिए नाभि का निर्देशांक जो दिया हुआ है वो वाई में मान है, इसका मतलब इसका दीर्घ अक्ष वाई पर बनेगा और लघु अक्ष एक्स पर, ठीक है। इसका नाभि दिया हुआ है, तो इसका नाभि देखिए क्या हो जाएगा, तो नाभि सी के दूरी पर रहता है, तो एक्स तो जीरो हो जाएगा और वाई प्लस माइनस सी इक्वल टू, देखिए क्या दिया है 0, + −√10, तो दोनों को अगर तुलना करूंगा तो सी का मान क्या हो जाएगा √10। तो देखिए यहां से सी का मान तो आ गया। अब दूसरा केस देखते हैं, 2.3 से जाता है, तो जैसे कि कोई एक रेखाखंड में अगर एक बिंदु है तो वो बिंदु इस रेखाखंड के समीकरण को सेटिस्फाई संतुष्ट करता है, ठीक है। उसी प्रकार ये जो 2.3 बिंदु इस अतिपरवलय से जा रहा है वो इसके समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो देखिए हमें a और b का मान चाहिए, ठीक है, क्योंकि c का मान तो मिल चुका है, तो दो वेरिएबल यानी कि दो चर का मान के लिए दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी। पहला समीकरण तो हमें यहां से मिल जाएगा, ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दूसरा कहां से मिलेगा, देखिए c का मान तो हमें पता चल गया, ठीक है। तो हमारे पास रिलेशन क्या होता है, c² = a² + b², ये हमें पता है, c का मान पता है, क्या हो जाएगा √10² = a² + b², इसको मैं क्या लिख सकता हूं a² + b² = √ और वर्ग कट जाएगा, क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा पहला समीकरण, ठीक है। अब इसी प्रकार से दूसरा समीकरण हम कैसे निकालेंगे, 2.3 से जाता है, तो हम क्या करेंगे 2.3 समीकरण को संतुष्ट करेगा, ठीक है, समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो देखिए इस अति परवलय का समीकरण क्या हो जाएगा, ये वर्टिकल है तो पहले y होगा y² / a² - x² / b² = 1, x के जगह 2 और y के जगह 3, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/a² - x² तो x क्या हो जाएगा 2, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4/b² = 1। देखिए इसको आगे हल करूंगा तो क्या होगा a² b² लघुत्तम आ जाएगा, a² कट जाएगा, b² गुना हो जाएगा 9 के साथ, तो 9b² - b² कट जाएगा, तो 4a² = 1, ये जो भाग में इधर जाके गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा a² b² ये हट जाएगा। अब देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूँ, आगे हल करता हूँ, तो एक स्टेप आगे हल करूंगा तो a² = 10 - b² लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसको देता हूँ समीकरण 1, अब ए स्क्वायर के जगह मैं 10 - b² लिख सकता हूँ, तो इस ए स्क्वायर के जगह 10 - b² लिखूंगा, तो 9b² - 4 × 10 - b² ए स्क्वायर के जगह मैं 10 - b² लिख सकता हूँ इक्वल टू, अब देखिए ए स्क्वायर के जगह फिर से
10 माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखिए 9 बी स्क्वायर माइनस 4 टेन्स ऑफ 40 माइनस माइनस प्लस 4 बी स्क्वायर इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 10 बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बी का पावर 4। ठीक है, अब देखिए सबको एक तरफ शिफ्ट कर दूंगा, तो देखिए 9 बी स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर ये हो जाएगा 13 बी स्क्वायर और ये जो प्लस 10 है इधर आके माइनस हो जाएगा तो 13 में 10 माइनस हो जाएगा क्या बचेगा 3 तो 3 बी स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू माइनस बी का पावर 4। ठीक है, ये बी स्क्वायर वाला इस तरफ आके सॉल्व हो गया माइनस 40, ये जो माइनस बी का पावर 4 है ये भी इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस बी का पावर 4 फिर प्लस इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आया, ये जो माइनस वाला था इधर आके प्लस हो गया, ये सामने प्लस में पहले से था। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये इस समीकरण को मैं हल करूंगा, तो देखिए इस समीकरण को जब मैं हल करूंगा तो यहां पे घात 4 आ रहा है, तो मैं अभी एक काम करता हूं, बी का घात 4 को बी का घात 2 लेकर चलता हूं। ठीक है, इसका मतलब अगर एक तरीके से लिख सकूं तो बी स्क्वायर की जगह बी मान के चलूंगा अभी। ठीक है, तो बी का पावर 4 की जगह क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3, बी स्क्वायर की जगह बी माइनस 40 इक्वल टू 0। देखिए अब इसको हल करते हैं, तो देखिए 40 का लघुत्तम ऐसे लेंगे कि प्लस 3 आना चाहिए, तो देखिए क्या हो जाएगा 40 20 10 5 और 5, देखिए हम प्लस 3 लाना है तो क्या हो जाएगा ये 2 गुनी 2 4 4 गुनी 2 8 8 और 5, तो देखिए 8 में 5 घटा दूंगा 3 आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बी स्क्वायर प्लस 8b माइनस 5b माइनस 40 बराबर 0। तो देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे b कॉमन आ जाएगा तो b प्लस 8 फिर माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो b प्लस माइनस कॉमन आ गया तो सामने का माइनस प्लस हो जाएगा 8 इक्वल टू 0। तो b का दो वैल्यू आएगा, एक होगा b माइनस 5 इक्वल टू 0, दूसरा b प्लस 8 इक्वल टू 0, तो b का मान एक आएगा 5 और दूसरा आएगा b का मान माइनस 8। तो देखिए b एक दूरी है और दूरी कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो b का मान 5 लेके चले, तो देखिए अब b की जगह 5 आ गया। ठीक है, तो b बराबर 5 ये तो आ गया, लेकिन हम b की जगह क्या बी स्क्वायर रख सकते हैं? ठीक है, क्योंकि पहले इसको हम लेके चले थे बी स्क्वायर की जगह b, तो b की जगह क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर 5, तो b का मान क्या हो जाएगा ये वर्ग इधर जाके वर्गमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, तो b का मान क्या हो जाएगा वर्गमूल 5। ठीक है, अब b का मान पता चल गया, a का मान निकाल लेते हैं, तो देखिए समीकरण एक क्या था ए स्क्वायर बराबर 10 माइनस बी स्क्वायर, ये समीकरण एक था, तो हम बी स्क्वायर का मान रख देते हैं, तो ए स्क्वायर बराबर 10 माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा वर्गमूल 5 का वर्ग, ये हो जाएगा 5, 10 से 5 घटाऊंगा कितना बचेगा 5, तो ए स्क्वायर बराबर 5, ए का मान क्या हो जाएगा वर्गमूल 5। ठीक है, ए बी सी का मान पता चल गया, अब समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, तो देखिए समीकरण देखिए ये एक वर्टिकल एलिप्स है। ठीक है, यानी कि ऊर्ध्वाधर, तो पहले y आएगा तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो y स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या होगा वर्गमूल 5 का वर्ग, क्या होगा 5 माइनस x का वर्ग बट्टे b का वर्ग, तो देखिए b का वर्ग क्या है 5, देखिए b का मान वर्गमूल 5 है तो वर्गमूल 5 का वर्ग, तो वर्ग वर्गमूल कट जाएगा तो ये आएगा 5 बराबर 1, तो अतः इक्वेशन क्या हो गया y स्क्वायर अपॉन 5 माइनस x स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू 1, तो ये हो गया उत्तर। तो इस तरीके से प्रश्न वाली 11.4 कंप्लीट और ये अध्याय भी कंप्लीट। थैंक यू।